कितना ख्वार हुआ हूँ आज मैं तुम्हारे पीछे, और मिला क्या? इसमें मेरा क्या कसूर है? सब तुम्हारा ही कसूर। जी नहीं, दोस्तों की बददुआ लग गई आप। तुम्हारी खातिर दोस्तों को धोखा दिया है, गड़बड़ तो होनी थी। मैंने नहीं कहा था कि उन्हें धोखा देकर आए झूठ बोलकर। तुमने तो नहीं कहा था, मगर हद दिन हो गए सज्जल तुमसे मिले हुए। अच्छा, कितने दिन? ढेर सारे। अच्छा तो आप ही कल आ रही है ना अपने छोड़ने? आ जाए। मैडम, आपको तो कॉलेज की छुट्टी करने पे कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर मेरा यूनिवर्सिटी से ऑफ लेना मुश्किल है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप उन्हें दोपहर में ले आइएगा। यूनिवर्सिटी के बाद ट्यूशन में तो पढ़ाने होती है ना। मेरे लिए एक दिन की छुट्टी नहीं कर सकते क्या? सचिन, तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा हूँ सब कुछ। पढ़ाई करूँगा तभी तो तुम्हारे काबिल बन पाऊंगा। मजाक कर रही थी मैं, जानती हूँ कि आप अपने फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हैं। हाँ, अच्छा मुझे याद आया, एक ट्यूशन मिली है मुझे और पास में ही है। एक और ट्यूशन? पहले स्टडी इतनी टफ है, कैसे मैनेज करेंगे अब आप? सचिन, भाई के ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, घर के अखराजात में शेयर करना होता है ना। कोई बात नहीं, जब आपकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी, फिर सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बस एक यही उम्मीद तो थकने नहीं देती। मैंने एक जगह पढ़ा था, सब अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। अच्छा जी, और क्या क्या कहती हैं आपकी किताबें? और ये कहती हैं कि इंसान को मुश्किल में ये सोचना चाहिए कि उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। वाह भाई, तुम्हारी किताबें तो बड़ी हिम्मत बढ़ाने वाली हैं। हाँ जी। अच्छा जी, खैर अब आपने तो कुछ करना नहीं है, तो मैं ही कोई तरीका निकालता हूँ मिलने का। क्या मतलब, कैसे? वो सरप्राइज। उमेर, भाभी किससे बात कर रहे हो? वो आसिम की कॉल है। अच्छा, टाइम से सोचा ना, वरना फिर सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलती। अच्छा तो मैं बाद में बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिन तेरे जो बीती है कैसे।